हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधांशु आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ आपके पास, उर्वर फिशर रूम, जो एक यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपिक में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। तो उर्वर फिशर रूम क्यों हम यूज करते हैं? कोई भी स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए, डिफरेंट कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए हमको उर्वर फिशर रूम को अप्लाई करना पड़ता है। उर्वर फिशर रूम का मोस्ट एप्लीकेशन क्या है? फॉर कैलकुलेटिंग दी लैम्डा मैक्सिमम। तो उर्वर फिशर रूम को पढ़ने से पहले कुछ उसका टिप्स को मैं बताना चाहता हूँ, जिसमें आप इजी तरीके से उर्वर फिशर रूम को आइडेंटिफाई कर सकते हो। उर्वर फिशर रूम में आप लैम्डा मैक्सिमम वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। पहला है आपका क्या, होमो एनुलर डाइंस एंड हेटेरो एनुलर डाइंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमो एनुलर डाइंस एंड हेटेरो एनुलर डाइंस? सपोज ये एक रिंग है, ये सपोज एक रिंग है अगर आपका कंजुगेशन ऑफ इफ द डाइंस प्रेजेंट इन द सेम रिंग दैट इज कॉल्ड होमो एनुलर डाइन। ओके, और इफ द कंजुगेशन और द डाइन प्रेजेंट इन द डिफरेंट रिंग That is called heteroannular dye. This called heteroannular dye. This is. And most important thing is the basic value of homoannular dye is 253 nanometer and the basic value of heteroannular dye is 250 nanometer. Second, आप exocyclic और endocyclic कैसे पहचानोगे? Exocyclic क्या है? अगर अंदर में रहता है, अगर कंजुगेशन अंदर में रहता है तो इसको बोलते हैं एंडोसाइक्लिक। अगर और इसको लगकर इसके साथ जुड़कर जब बाहर की तरफ गया है ना, उसको बोलते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का वैल्यू कितना होता है? एंडोसाइक्लिक का वैल्यू नहीं रहता है, एक्सोसाइक्लिक का रहता है वैल्यू आपका 5 नैनोमीटर। और तीसरा बात है आपका डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन। ये देखिए कैसे आप डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन, ये देखिए अगर ये रहा तो डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन मतलब क्या है? CH डबल बॉन्ड CH। ओके, ये देखिए CH, अगर एक रिंग हो या डिफरेंट रिंग में भी अगर कंजुगेशन होगा, अगर तीन बॉन्ड होगा तो उसमें कंजुगेशन कितना हम पाएंगे? डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन 8 पाएंगे। तो उसके लिए हम वैल्यू कितना देंगे? +30। ओके, और तीसरी बात है रिंग रेसिड्यू आप कैसे निकालोगे? जैसे कि मैं यहाँ पर करता हूँ, अगर एक डबल बॉन्ड के पास एक सिंगल बॉन्ड होगा, उसके बाद अगर डबल बॉन्ड नहीं होगा तो उसको हम क्या करेंगे? ये आपका क्या होगा? रिंग रेसिड्यू होगा। इसके लिए ये आपका रिंग रेसिड्यू होगा। ओके, तो इसमें हम रिंग रेसिड्यू कितने पाए? 2 पाए। तो रिंग रेसिड्यू के लिए वैल्यू कितना होता है? एक रिंग रेसिड्यू के लिए 5 होता है, दो रिंग रेसिड्यू के लिए 2 × 5, तो कितना होगा? 10 होगा। ओके, तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं जिसमें हमको कैलकुलेट करना है लैम्डा मैक्सिमम। ओके, देखिए ये आपका ये पहले आपको चूज करना है, ये आपका होमोएनुलर डाइन है या हेटेरोएनुलर डाइन है। जाहिर सी बात है ये होमोएनुलर डाइन है, क्योंकि द कंजुगेशन प्रेजेंट इन द सेम रिंग दैट इज कॉल्ड होमोएनुलर डाइन्स। द बेसिक वैल्यू इज 253 नैनोमीटर। एंड देन इसके पास एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है या नहीं? एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। पहले देखिए ये कंजुगेशन में है, उसके बाद एक कंजुगेशन
मतलब ये तो क्या हो गया, एंडोसाइक्लिक तो अपन बोल एक्सोसाइक्लिक, क्योंकि कंजुगेशन के बाद एक बाहर की तरफ आया है बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए कितना आता है आपका वैल्यू, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड आपका वैल्यू आता है कितना है, एक है एक्सोसाइक्लिक के लिए 5। उसके बाद रिंग रेसिड्यू कितना होगा आपका, ये देखिए ये डबल बॉन्ड हो गया, इसके इसके साथ ये एक सिंगल बॉन्ड है और इसके साथ एक सिंगल बॉन्ड है, उसके बाद डबल बॉन्ड नहीं है, तो आपका रिंग रेसिड्यू कितना होगा, 1 2 3। तो रिंग रेसिड्यू आपका 3 हो जाएगा, तो रिंग रेसिड्यू क्या हो जाएगा, रिंग रेसिड्यू इज इक्वल 5 × 3 = 15। तो टोटल आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, 253 + 5 = 258 + 258 + 58 = 10 to 68 68 17 79 80 81 82 ओके 282 नैनोमीटर। ओके इसका हम बेसिक वैल्यू निकाल दिए। तो ये था मेरा उबर्ट मिशन का लैम्डा मैक्सिमम आप कैसे निकालोगे, एक एग्जांपल दिया, अगले क्लास में और एग्जांपल दूंगा उबर्ट मिशन के बारे में। ओके टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।